अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। रियासत कर्नाटक के चुनाव बिल्कुल कुछ ही दिनों के फासले पर हैं। 13 मई को नतीजे बरामद होंगे और पूरे रियासत की तस्वीर बदलती नजर आएगी। अब कांग्रेस ने जो वादे किए हैं कितने पूरे करते हैं अलग बहस का मौजू हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा का हिंदुत्व धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है। भारत यकीनन किसानों, दरमियानी तबके का और गरीबों का मुल्क कहा जाता है। धर्म जात पात के नाम पर बहुत देर तक यहाँ पर आवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इससे यह साबित होता दिखाई दे रहा है कि भाजपा हार रही है, यह सच्चाई है। ताज्जुब तो इस बात का है कि जहां डबल इंजन सरकार की दुहाई दी जा रही थी, मोदी शाह योगी को लाकर रैलियां की जा रही है, इसके बावजूद भी हालात बदलते नजर नहीं आ रहे। अब तक ये देखा जा रहा था कि मोदी की रैलियों का असर आवाम पर हो रहा है और वहां हालात और तस्वीर भी बदलते देखा गया। इस तरह का जो भरोसा उमूमन भाजपाइयों में देखा जा रहा था, अब वो भरोसा कहीं तो टूटता नजर आ रहा है और ये आने वाले दिनों के लिए अच्छी निशानी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर जहां मोदी की तस्वीर बड़ी कर मुकामी उम्मीदवारों की तस्वीर को छोटा किया जा रहा था, आखिरी बचे कुछ दिनों में मुकामी उम्मीदवार की तस्वीर को बढ़ाकर मोदी की तस्वीर को छोटा किया जा रहा है। आखिरी वक्त में क्या किया जाए, किस नैरेटिव को चलाकर फिर से हिंदू मुस्लिम किया जाए ताकि कर्नाटक हाथ से निकल न जाए, इसके फिक्र में भाजपाइयों के बड़े लीडरों के चेहरों पर झुर्रियां देखी जा रही हैं। ओपिनियन पोल के बाद ही भाजपा संघ परिवार की नींद उड़ गई है और ये नींद उठना भी लाजिम है, क्योंकि जो 100 साल की मेहनत उनकी थी, अब कहीं तो नतीजे आने थे, लेकिन कर्नाटक उनके तमाम मंसूबों पर पानी फेरता नजर आ रहा है। कर्नाटक में वैसे भी देखा जाए तो पिछले कुछ अरसे से मुकम्मल अक्सरियत से भाजपा अपने कदम नहीं जमा पाई थी, पर 2018 में कांग्रेस जेडीएस हुकूमत के बावजूद ऑपरेशन कमल के जरिए भाजपा ने येडियुरप्पा हुकूमत बनाई। येडियुरप्पा के बाद बसवराज बोम्मई वजीर आला बने। बिल्कुल यूपी की नहज पर मुस्लिम दुश्मनी पर मुबनी हालात को साजगार बनाया जा रहा था ताकि धर्म की आड़ में यहाँ भी डर खौफ का माहौल बनाकर हुकूमत पर काबिज रहे। हिजाब हलाल, मंदिर मस्जिद वगैरह मुस्तकिल जारी रहा, पर कर्नाटक यूपी की तरह बनना शायद बहुत मुश्किल है। लिहाजा इनके तमाम हथकंडे नाकाम होते हुए नजर आ रहे। भाजपा इकतदार से बेदखल होती जा रही है। कर्नाटक में बदलता मंजरनामा भाजपा के ताबूत की आखिरी किल साबित हो सकती है, ऐसा सियासी माहिरीन का कहना है। महंगाई, बेरोजगारी बुनियादी मसाइल हैं जो इस बार हुकूमत बदलने की वजह बन रहे। इस तरह से तस्वीर साफ होती जा रही है। कांग्रेस की तरफ से गारंटी स्कीमों की बारिश से अवाम मुतासिर तो हो चुकी है। हाल ही में खानापुर में प्रियंका गांधी ने अवामी इजलास को मुखातिब होते हुए कहा कि रियासत के खातिनों को बस का सफर बिल्कुल पूरी रियासत में मुफ्त किया जाएगा और ये बहुत बड़ा फैसला कांग्रेस की जानिब से लिया गया है। इसी तरह आशा वर्कर्स की तनख्वाह का मसला भी पिछले अधिवेशन में सर फहरिस्त रहा, इसे भी प्रियंका गांधी ने हल करते हुए तनख्वाह को 8,000 तक करने का वादा किया। घरेलू गैस सबसे बड़ा मसला, क्योंकि सभी जानते हैं कि किस तरह घरेलू गैस से मुतासिर हर घर है। 1100 से भी ज्यादा कीमती देनी पड़ रही है, लेकिन कांग्रेस अगर आती है तो 500 रुपए करने का वादा कांग्रेस ने किया है। इससे भी आवाम जो है काफी हद तक माइल हो चुकी है। लिहाजा भाजपा धर्म नफरत की सियासत से आगे बढ़ नहीं पाई, ये भी सच्चाई है। योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के तौर पर लाया तो गया, पर कुछ तब्दीली कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। बुलडोजर तहजीब या माफिया तहजीब या एनकाउंटर, राम मंदिर, लव जिहाद, हिंदू राष्ट्र को फिर से उछालने की मुकम्मल कोशिश तो की गई, पर कर्नाटक की आवाम ने शायद फैसला कर ही लिया। आखिर अमित शाह ने फसादात की तक धमकी दी। वजीर आजम की कई रैलियां रियासत के मुख्तलिफ हलकों में हो रहे, पर आवाम का फीका रिस्पॉन्स भाजपाइयों के फिक्र में इजाफा कर रहा है। भीड़ किसी पार्टी की मकबूलियत की दलील नहीं हो सकती, क्योंकि सभी जानते हैं कि भीड़ आजकल किराए से ही लाई जा रही है। हमने यहाँ बेलगाम में भी देखा कि कई रैलियों में पैसे न मिलने पर बहस झगड़े होते हुए देखा गया। बेलगाम में भी भाजपा रैली में कई देहात की खवातीन जिन्हें मालूम ही नहीं था कि रैली में क्यों आए। खैर, सभी सियासी पार्टियों की कैफियत एक जैसी ही है। बेलगाम जिला में 18 हल्के हैं जिसमें इस बार कांग्रेस 12 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। बेलगाम जिला खासकर जो सरहदी इलाका है जहां पर मराठी आवाम ज्यादा रहती है, 5 जगहों पर एमईएस ने अपने उम्मीदवार दिए हैं, पर इस बार हालात बदले हुए हैं। मराठी लोगों में भी इस बात का शऊर हो चुका है कि महज मराठी लोगों को भाजपा इस्तेमाल कर रही। बेलगाम की आवाम का महाराष्ट्र से तहजीबी रिश्ता है, लिहाजा शिवसेना का असर भी यहाँ के आवाम में नजर आता है। बेलगाम ग्रामीण, बेलगाम उत्तर और बेलगाम दक्षिण,
इस तरह समिति के उम्मीदवार भी जोर लगा रहे हैं। खानापुर में भी समिति के उम्मीदवार खड़े हैं। समिति की अपनी तारीख है। दरमियान में आपसी इख्तलाफात की वजह से कमजोर हुई ऐसा भी कहा जाता है। साथ में हिंदुत्व को लेकर भाजपा का रुख भी मराठी आवाम को माइल करने में कामयाब हुआ। पर अब मराठियों के बारे में भाजपा की हमदर्दी फर्जी है कि ज़हनियत मराठी आवाम के दिल में घर कर रही है। हालांकि अनिल बेनके के टिकट को काटने की कोई भी वजह नहीं थी, सिर्फ लिंगायत वोटर्स को खुश करने के लिए मराठी उम्मीदवार अनिल बेनके का टिकट काट कर रवि पाटिल को दिया गया, जबकि रवि पाटिल को किसी तरह का सियासी तजर्बा न होने की बात कही जाती। इन तमाम के बावजूद भी भाजपा मराठी वोटरों को ये कहते हुए दिशाबुल कर रही थी कि आप समिति को वोट ना करें, इससे मुसलमानों की हिमायती कांग्रेस जीत जाएगी। पर वक्त निकल चुका है, अब इनके वही घिसे पिटे फॉर्मूले को लोगों ने शायद समझ लिया है। और दूसरी तरफ सच्चाई भी है कि अगर खासकर बेलगाम के मराठी आवाम की बात की जाए तो मराठी लोगों की मरकजी तंजीम MES अरसे से मराठी जुबान की जंग लड़ रही है। इन्हें कांग्रेस या भाजपा से कोई लेना देना नहीं। दरमियान में भाजपा हिंदुत्व के आड़ में मराठी लोगों को वर्गलाने की कोशिश जरूर की और कुछ हद तक कामयाब भी रहे, लेकिन फिर से इस बार मराठी वोटर्स अपने अस्तित्व का, अपने वजूद के कयाम के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भले इसका फायदा क्या होता है, किससे होता है, इसे कुछ लेना देना नहीं। बेलगाम साउथ में अभय पाटिल के मुकाबले में कोंडुस्कर मुकाबले की टक्कर इसी बात की दलील कह सकते हैं। लिंगायत मराठी वोटर्स की तकसीम का फायदा बेलगाम उत्तर में राजू सेठ को हो रहा है। ग्रामीण में भले ही चौगले समिति से अपनी किस्मत आजमा रहे और कांग्रेस उम्मीदवार लक्ष्मी हेब्बाड़कर से मुकाबला कर भी रहे हैं, लेकिन जीत लक्ष्मी हेब्बाड़कर की होगी क्योंकि वहां पर मजबूत पकड़ लक्ष्मी हेब्बाड़कर की है। एक खास बात इस चुनाव में यह भी है कि बेलगाम में साबिक भाजपा वजीरे आला जगदीश शेट्टर, जिन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की उम्मीदवारी हासिल की है, अब कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे और बेलगाम आ रहे हैं। इसी तरह लक्ष्मण सोदी भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में आए हुए अथनी से जीत दर्ज कर सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा। वाज रहे कि रमेश जारकिहोली ने लक्ष्मण सोदी का टिकट काट कर महेश कुमटल्ली को दिया है। लक्ष्मण सोदी का कांग्रेस में दाखिल होना भी जारकिहोली के लिए कुछ अच्छा अंदेशा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस में शमूलियत के लिए लक्ष्मी हेब्बाड़कर के भाई चनराज हट्टीओड़ी के जरिए अख्तियार की, मतलब हुकूमत कांग्रेस की बन भी गई तो अंदरूनी सियासत भी आगे तेज होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि जारकिहोली से इंतकामी जज्बा रख कर ही लक्ष्मण सोदी कांग्रेस में आए हुए हैं। खैर, हुकूमत बनने तक तो इत्तेहाद कांग्रेस में नजर आ रहा है। हेब्बाड़कर जारकिहोली तनाजा तो वैसे भी पुराना है और मशहूर भी है। खैर, कांग्रेस की जीत यकीनी का दावा सभी ओपिनियन पोल कर रहे हैं, जिसमें खासकर सी वोटर, TV9 सी वोटर, एडीना मेगा सर्वे। कांग्रेस असेंबली में 224 सीटें हैं, जिसमें अक्सरियत के लिए 113 की जरूरत होती है। सी वोटर्स के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत बना रही है। 107 से 119 सीटें कांग्रेस हासिल कर सकती है, ऐसा कयास उन्होंने लगाया। भाजपा 74 से 86 सीटें हासिल कर सकती है, JDS 23 से 35। इसी तरह TV9 सी वोटर के मुताबिक वही अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाजपा 80 से 90 के दरमियान, कांग्रेस 116, JDS 34। एडीना मेगा सर्वे ने तो भाजपा को और भी सिकुड़ दिया है। भाजपा 57 से 65 इनकी 70 से अंदर आ सकती है, ऐसा इनका दावा है। कांग्रेस 132 से 140, JDS 19 से 25 और दिगर 5, मतलब कांग्रेस हर हाल में जीत रही है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन ये तमाम ओपिनियन पोल है, हकीकत तो 13 मई को वाजा होगी। इतना जरूर है कि भाजपा का कर्नाटक में हारना इनके कई मंसूबों पर पानी फेर सकता है। अवामी तशद्दुद, नफरत, धर्म का कार्ड चलाना भाजपाइयों को काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब तक 2014 से धर्म की बुनियाद पर ही तो हुकूमत हासिल की जा रही थी। 2024 में राम मंदिर मुकम्मल होगा और उसकी इफ्तिताह भी एक हिंदू राष्ट्र की कड़ी ही कह सकते हैं। लेकिन भाजपा का गिरता ग्राफ और आवाम का बदलता नजरिया शायद इनके 100 साल के ख्वाब को मुकम्मल करने में रुकावट बनते जरूर दिखाई दे रहा है। इतना तो सच है कि भाजपा का हारना इस रियासत, मुल्क और मुल्क के आवाम के हक में बेहतर होगा, ऐसा कहा जा रहा है। बेलगाम नॉर्थ के कांग्रेस उम्मीदवार जनाब आसिफ राजू सेठ के चुनावी इजलासों का दौर जारी है। मुख्तलिफ जमातों, इदारों, तंजीमों की जानिब से राजू सेठ को समर्थन दिया जा रहा है। लिहाजा बागबान जमात इमली मार्केट की जानिब से भी आसिफ सेठ की गुलपोशी की गई है और सेठ साहब की हिमायत का ऐलान किया गया। इस वक्त बागबान जमात के सदर दावल साहब मुडलगी, नायब सदर जनाब बशीर डोनी साहब, सेक्रेटरी AK बागवान साहब, जलानी बागवान साहब, अकबर बागवान और दिगर जिम्मेदारान इस वक्त मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।